आइए सीखते हैं गैजेट्स के बारे में। हम अपने माउस का व्हाइट बटन क्लिक करते हैं, गैजेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। हम एक क्लॉक ले लेते हैं, एक और क्लॉक ले लेते हैं, ये वेदर ले लेते हैं, एक और वेदर ले लेते हैं। अब हम इसका यूज देखेंगे। जैसे अब हमें चाहिए कि हम इंडिया में हैं, तो हम इसके ऊपर इंडिया का टाइम, अपनी घड़ी का नाम नाम लेंगे, अपने क्लॉक का नाम इंडिया, और यहाँ से हम इंडिया का टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हम इंडिया का टाइम सेलेक्ट करेंगे, हमने मैंने इस टाइम सेलेक्ट कर रखा है, तो ये से हमारा इंडिया का टाइम हो रहा है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। और अब वहाँ, अब जैसे हमारी कोई दूसरी कंपनी से कॉन्टेक्ट है और वो इस टाइम अमेरिका वगैरह किसी और देश में है, तो हम यहाँ पे वहाँ का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम उस अमेरिका का टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस टाइम वहाँ पर बज गया। जैसे हमारे इंडिया में इस टाइम 3 बजे में इतना मिनट है, वहाँ पे रात कितने बज रहे हैं, 12:25 हो रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इस यहाँ का करेंगे। यहाँ पे हम वेदर का नाम देंगे, जैसे हमें यहाँ पे मुंबई मुंबई चाहिए, मुंबई करके हम सेल्सियस पे क्लिक करेंगे, वो ओके करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, तो यहाँ पे वो ये वहाँ का मुंबई का जो तापमान है वो सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे हम चाहें कि मतलब हमें यहाँ पे मुंबई कर लिया, हम चाहें यहाँ पे हम दिल्ली कर लें, तो यहाँ पे हम दिल्ली दिल्ली टाइप करेंगे। दिल्ली टाइप करेंगे तो हमारे सामने ही है नेट होगा, नेट का कनेक्शन होगा, तो वो हमारे सामने ले लेगा, चेक करके ले लेगा। इसी तरह हम इन गैजेट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके ऊपर बीच वाले को हम दबाएंगे तो ये छोटा हो गया, हम दोबारा से इसको दबाएंगे तो ये बड़ा हो गया। इस तरह से हम इसको मतलब इस पे एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो पार्ट टॉप वाला है क्लोज, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। हमने क्लोज कर दिया। धन्यवाद।